Good morning, students. Welcome to Environment class, Standard 4. We will go into our next chapter. Last chapter है जो हमारा syllabus का 14th chapter, Vast Past Form. हमारा 13th chapter River Test complete हो गया है. उसके बाद उसका मैंने question answer, fill in the blanks जो भी था extra वो सारा मैंने लिखा दिया है. आज हम करते हैं नया chapter start, chapter 14, Vast Past Form. Vast Past Form. तो मैंने यहाँ पे draw करके रखा है तीन चार चीजें. फार्म मतलब क्या? फार्म दैट मीन्स फील्ड, खेत, जिसमें हम कोई भी चीजें प्लांट करते हैं, ग्रो वो करते हैं. तो वो जो चीजें होती है, तो यहाँ पे बासवा की स्टोरी है. बासवा जो है वो अपनी स्टोरी बता रहा है. उसके फादर जो है वो फार्मर है. तो फार्मर जब अपना स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी चीजें ग्रो करना का स्टार्ट करते हैं फार्म में, तो कितने सारे काम होते हैं और कितने सारे इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है, वो सारा इस चैप्टर में बताया गया है. तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स मतलब जो चीजें यूज होती है फार्म में, तो इस टाइप का तो वो मैंने ड्रॉ करके रखा है. फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा है शोइंग. शोइंग मतलब जब भी कोई चीज हमें सीधे, हम तो सीधे के सीधे यहाँ पे क्या है, ओनियन की बात की गई है कि ओनियन का फील्ड है, जो फार्म है वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ओनियन उगा रहे हैं. ओनियन को तो ओनियन को लगाने से पहले क्या होता है, तो बोइंग, शोइंग होता है. SOWING शोइंग, शोइंग दैट मीन्स बोना. तो जब ओनियन का जैसे हर है, कोई भी वेजिटेबल्स हो, कोई भी फ्रूट्स हो, या कोई भी सीड्स हो, कोई भी ग्रेन्स हो, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है तभी वो ग्रो होते हैं. तो ओनियन जो है जुलाई मंथ में वो लोग वो शोइंग करते हैं, तब वो अच्छे से निकलते हैं. ओके, तो क्योंकि फिर रेनी सीजन आती है, तो रेनी सीजन में वो सारे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं. तो पहले स्टार्ट होता है शोइंग से. तो शोइंग मतलब बोना. तो जब वो चीजें बोइंग करते हैं, तो ये जो इम्प्लीमेंट है उसे यहाँ पे कुरिंग, कुरिंग लिखा है. तो कुरिंग जो होता है उसे क्या होता है कि पूरा, जैसे अभी तो ट्रैक्टर आ गया है तो ट्रैक्टर से कर देते हैं, बट पहले के जमाने में ये इम्प्लीमेंट यूज होता था, जिसकी वजह से क्या होता है, उसे पूरा मिट्टी को डिगिंग करते. डिग मतलब खोदना, फिर उसमें वो सारे सीड्स बोना, एंड देन वो ग्रो होते हैं. तो पहले शोइंग का काम होता है. तो शोइंग के काम में बहुत मेहनत लगती है. पहले क्या करना पड़ता है, पूरी पूरी फील्ड को डिगिंग करना पड़ता है, डिग करना पड़ता है, एंड देन उसमें सीड्स डालेंगे, फिर वो ग्रो होगा. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है शोइंग. शोइंग के बाद होता है जब बीज डाल देते हैं. शोइंग मतलब बीज बोना. तो बीज बो देने के बाद आफ्टर 20 डेज, बीज बोने के आफ्टर 20 डेज क्या स्टार्ट हो जाता है, स्प्राउटिंग. क्या स्टार्ट होता है, स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित होना. बीज में से जो भी है वो छोटे छोटे लीव्स या लीव्स ऊपर आने लगते हैं, जिससे हमें क्या होता है, मतलब अंकुरित हो जाते हैं वो सीड्स. एंड आफ्टर 20 डेज, कितना टाइम लगता है, आफ्टर 20 डेज. तो डेली उसके अंदर पानी और वो सब डालना पड़ेगा, फिर वो आफ्टर 20 डेज क्या होता है, स्प्राउटिंग होता है. स्प्राउटिंग होने के बाद तो और थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, थोड़े से और ग्रोइंग हो जाते हैं, ग्रोइंग हो जाते हैं. तो इस चैप्टर में जैसे बासवा अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है शोइंग करने में, देन फिर वो कोई बर्ड्स या एनिमल्स अपने फील्ड में जो भी प्लांट है उसको खराब ना कर दिए, तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है. तो बासवा डेली स्कूल से आने के बाद भी वहाँ पर अपने फील्ड में जाता है, एंड वो ध्यान रखता है सारी चीज़ों का. तो अभी जब वो आफ्टर 20 डेज क्या हुआ, स्प्राउटिंग हुआ है, तो थोड़े थोड़े बीज अंकुरित हुए हैं, देन वो ग्रो बड़े हो रहे हैं, ग्रोइंग हो गए हैं. तो जब वो बासवा जाता है तो वो ग्रो कितने हो गए हैं, तो वो बासवा की नी तक पहुंच गए हैं. आफ्टर ग्रोइंग के बाद क्या होता है, ग्रो हो जाता है, देन क्या होता है, क्रॉपिंग होता है, क्रॉप करते हैं. क्रॉप मतलब काटना. तो उसका भी पर्टिकुलर टाइम होता है. अगर आप ऐसा रहने देते हो कि अगर बड़े बड़े होने दो, है ना, छोटे छोटे इतने सपने, छोटे छोटे ऑनियन देखे, आपको लगेगा कि चलो ज्यादा दिन रहने देते, इतना बड़ा ऑनियन बनाते, ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा ऑनियन हो सकता है, बट उसका प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट होती है.
वो पानी हम डेली उसके अंदर डालेंगे सब करेंगे तो क्या आ जाएगी, गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा है, रीप रीप मतलब गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और वो खराब हो जाएगी, फिर कोई उसे परचेज नहीं करेगा। आप देखना रेनी सीजन में पोटैटो ओनियन उसमें से भीगे हुए होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और उसमें से गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरह से एक सब चीज का एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में उसे निकाल भी लेना पड़ेगा। जैसे जुलाई मंथ में शोइंग करना जरूरी है, देन आफ्टर 20 डेज स्प्राउटिंग होगा, स्प्राउटिंग के बाद ग्रोइंग हो गए, ग्रोइंग के बाद क्रोपिंग भी हुए, टाइम पीरियड जो होता है लिमिटेशन होती है उसमें करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो जो स्टार्टिंग से लेके जितनी भी मेहनत की है वो सारी आपकी स्पॉइल हो जाएगी, वो सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो उसको एक लिमिट टाइम के अंदर उसे फिर से निकाल भी देना पड़ेगा। निकालने के बाद उसको निकालने के बाद उसको कटिंग भी करना होता है, क्योंकि ओनियन आपको पता है कि अंडरग्राउंड होते हैं ना, ओनियन कहाँ होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, तो ऊपर के जो लीव्स होते हैं, ग्रीन ओनियन भी बहुत सारे लोग खाते हैं, तो ग्रीन ओनियन वो निकालने के बाद भी जो येलो येलो उसके उन लोगों का पता चल जाता है कि ओनियन हो गए हैं प्रॉपर तरीके से ग्रो हो गए, तो जो जो लीव्स जो होते हैं वो ऊपर से उसके ग्रीन की जगह येलो येलो शेड होने लगता है, तब उन लोगों को पता चल जाता है ग्रीन ओनियन है। तो वो तो ग्रीन 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 ओनियन जब हम खाते हैं तो इतने बड़े बड़े ओनियन उसके साथ नहीं होते, वो उसके छोटे छोटे ही ओनियन होते हैं, मतलब ओनियन पूरा बना नहीं हुआ होता है। ग्रीन ओनियन जब हम खाते हैं तो वो पूरा ओनियन नहीं बना हुआ होता है, ओके। तो जो पूरा ओनियन जो प्रॉपर हम खाते हैं तो उसके ऊपर क्या मेन चीज है कि उनको कैसे पता चलता है फार्मर को कि ओनियन ग्रो हो गए हैं, तो जब वो ग्रीन ग्रीन लीव्स जो होते हैं ओनियन के वो येलो शेड के हो जाते हैं, तब तो उनको पता चल जाता है कि ओनियन प्रॉपर तरीके से ग्रो हो गए, तब उन लोग को निकालना ही पड़ेगा और निकाल ही देना पड़ेगा। फिर वो निकालने के बाद जो उसके येलो लीव्स है उसे कट कर देने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से। ओनियन कहाँ होता है, नीचे ग्राउंड में होता है, तो वो भी सारी चीज़ें गंदी होगी, तो वो सारा कट करके फिर उसे एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। एंड देन लास्ट क्या आएगा, ये सारी प्रोसेस के बाद क्या आएगा कि पूरा घर बदलेंगे या क्या करने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, है ना। घर में तो इतने सारे ओनियन का क्या करेंगे, वो उनका बिजनेस है, फार्मिंग उनका बिजनेस है, उसी से वो अपना घर चलाते हैं। तो वो ओनियन सारे ग्रो हो जाने के बाद इतनी सारी प्रोसेस के बाद वो लास्ट में कहाँ जाता है, सेलिंग में। तो बिग मार्केट होती है, होलसेल मार्केट होती है, वहाँ पे फार्मर अपने सारे ओनियन बेच देते हैं एंड फिर वो मार्केट में आते हैं। तो इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ओनियन हमें मिलते हैं, है ना। तो उन लोग को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, कितनी सारी मेहनत कि पहले डिगिंग करो, बहुत ही हार्ड वर्क, फार्मर का जो वर्क होता है बहुत ही हार्ड वर्क होता है, ऐसा नहीं है कि चलो बैठे रहो और वो अपने आप ग्रो हो रहे हैं ना। तो बोने के बाद आफ्टर शोइंग भी बहुत ही डेली उनको देखना पड़ेगा कि कोई एनिमल्स रैट जो होते हैं, रैट जो होते हैं ना, माउस जो होते हैं, अगर वो खेतों में कोई होते ही है तो वो सारे सीड्स खा जाएंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा और हम तो सोचेंगे कि ये मतलब पूरा फार्म भरा है, बट उसने अगर खा लिया, हम देखने नहीं जाएंगे तो माउस ने खा लिया, बर्ड सीड्स खा जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें भी डेली उन लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ग्रो कर दिया, शोइंग कर दिया, फिर आफ्टर 20 डेज उसके आफ्टर 20 डेज वो स्प्राउटिंग होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो उतने टाइम तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ा है। फिर अंकुरित होने के बाद भी छोटे छोटे लीव्स होते हैं तो उसे भी बर्ड्स खा लेते हैं, माउस खा लेते हैं, तो वो चीज़ें भी मतलब डेली उन लोगों को फील्ड में जाना पड़ेगा, फार्म में जाना पड़ेगा एंड वो देखना पड़ेगा, है ना, वो उनकी ड्यूटी है। तो कितने लंबे टाइम के बाद वो ओनियन के रूप में हमें मार्केट में मिलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे, इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पे 3 एम्प्लीमेंट्स मतलब साधन जिसे हम यूज करते हैं फील्ड में, और फील्ड के बाद भी ये मतलब ये इस चैप्टर का दिया हुआ है कि इस चैप्टर में बास्वर्स के अपाने कौन कौन
इंप्लीमेंट यूज किए हैं। ओके, तो ये फर्स्ट है नेम इन दिस चैप्टर। इस तरह जैसे मैंने लिखा है, देखो लेसन स्टार्ट करो, मैं ऑलवेज बोलती हूँ आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से चैप्टर का नाम, देन डेट, देन स्टार्ट करो। तो होमवर्क में क्या लिखना है, हार्ड वर्ड्स पहले लिखने हैं। हार्ड वर्ड लिखने के बाद आपको इंप्लीमेंट टॉपिक डालना है, इंप्लीमेंट, एंड देन ये वन नंबर, टू नंबर, एंड ये है थ्री नंबर। तो वन नंबर जो है नेम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इस चैप्टर में, क्योंकि अलग अलग स्टेट है तो अलग स्टेट के अकॉर्डिंग हर जगह पे इस चीज का नाम अलग बोले, चीज एक ही है, थिंग एक ही है। ओके, इंप्लीमेंट ये ही है, बट इसका नाम अलग अलग होगा। आप कुछ और बोलते हो गए, और स्टेट में कुछ और बोलते हो, तो नेम इन दिस चैप्टर, तो कुरी क्या है, कुरी। फिर नेम इन योर एरिया, तो कुंडा, कुडाल, कुडाल या फिर हल, हल जो होता है जैसे हम बोलते हैं हल। फिर वर्किंग क्या है, तो प्लगिंग, वर्क क्या है उसका, तो प्लगिंग। यहाँ पे इस तरह का ये जो होता है ना, तो जैसे जैसे ये लोग ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ का, यहाँ पे वो लोग सीड्स डालते हैं और फिर वो नीचे नीचे गिरते जाते हैं और जमीन के अंदर क्या होते जाते हैं, शोइंग, SWING, शोइंग। ओके, शोइंग होते जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्लगिंग, मतलब लगा रहा है, बो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट है, ये जो है ये इंप्लीमेंट इन दिस चैप्टर, खुंती, क्या है, खुंती। और इन अवर एरिया, तो खुंती ही कहते हैं वैसे तो, अदरवाइज क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। ओके, क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी। फिर नेक्स्ट है वर्क, वर्क क्या है उसका, तो डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना। ओके, डीग करना, जो मतलब जमीन जो है, फील्ड जो है, उसमें सॉइल जो है वो एकदम टाइट होती है, जब उसमें फिर उसको सॉइल के अंदर प्लगिंग करना है, तो प्लगिंग करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डिगिंग करना पड़ेगा। ओके, तो डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना और फिर उसमें शोइंग करना। नेक्स्ट है नेम इन चैप्टर, नेम इन चैप्टर क्या है, इले, क्या है, इलीगेट। नेम क्या है चैप्टर में, इलीगेट। ये चीज आपने शायद ही देखी होगी, अगर आप महाराष्ट्र गए हैं तो ये चीज देखी ही होगी। ये वेजिटेबल कटिंग के लिए होती है, किसके लिए होती है, वेजिटेबल कटिंग के लिए। ये जो होता है ऐसे ऐसे अपने तरफ खींच के इस तरह से वेजिटेबल कट करते हैं। ओके, तो नेम इन योर एरिया, तो कटर, वैसे इसका नेम कट, हम वेजिटेबल ही कट करते हैं इसलिए इसे कटर कहेंगे, वेजिटेबल कटर। एंड वर्क, उसका काम क्या है, तो कटिंग वेजिटेबल्स, काम क्या है उसका, कटिंग वेजिटेबल। ये चीजें आपको, ये थ्री चीजें आपको ड्रॉ करके फिर नोटबुक में मैंने जिस तरह से लिखा है एकदम नीट एंड क्लीन, अच्छी हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। चलो मैं चैप्टर, मैंने जो इस चैप्टर में जो जो चीजें है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बट रीड करके भी आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेज नंबर है आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 14, पेज नंबर 113, चैप्टर 14, पेज नंबर 114। बासवा अपनी स्टोरी बता रहा है। ओके, आई एम अ बासवा, माय फादर इज अ फार्मर, वी लिव इन बेलवनिका विलेज इन कर्नाटका। ओके, बासवा है, उसका, उसके फादर क्या है, फार्मर है। वो कहाँ रहते हैं, तो बेलवनिका विलेज इन कर्नाटका, ये कर्नाटका की स्टोरी है। इन दिस मंथ ऑफ जुलाई लाइक एवरी ईयर अप्पा माय फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू शो द ऑनियन क्रॉप। क्या करते हैं, इन जुलाई मंथ में एवरी ईयर, ऐसा नहीं कि इस जुलाई में सीड्स डाल दिए फिर नेक्स्ट जुलाई के में डालने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। एवरी ईयर जुलाई महीने में उसके फादर क्या करते हैं, ऑनियन को शोइंग करते हैं, ऑनियन क्रॉप। देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा। तो क्या है कि ये जब शोइंग का काम होता है तब बहुत ज्यादा काम होता है, एक बार शोइंग हो गया फिर सिर्फ उसको देखने जाना पड़ता है डेली, तो तब काम नहीं होता है, तब हमें सिर्फ देखना होता है कि कोई बर्ड्स या कोई अदर एनिमल्स वहाँ आके वो चीजें खराब तो नहीं कर रहा है ना, वो देखने जाना पड़ता है। बट जब शोइंग करते वो टाइम एकदम पीक टाइम होता है,
स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए घर के सारे मेंबर वहां पे फील्ड पे जाते हैं, तो बासवा भी जाता है अपने पापा के साथ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज बीन यूज द कुंती, यूज द कुंती, कुंती मतलब ये कुंती, जिससे क्या कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। एंड आयरन रॉड, ये क्या है, आयरन की होती है, किस चीज की होती है, आयरन की होती है। टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, क्यों करते हैं ऐसा, इससे क्या होगा, सॉइल लूज होगी। मैंने जैसे बताया ना कि जैसे हार्ड होती है ना, पूरा पानी गिरा होता है तो एकदम फ्लैट होती है, हार्ड होती है, ऐसे ही हम खुद हाथ से मिट्टी निकाल नहीं सकते, इसलिए उसे डिगिंग करना जरूरी है। डिगिंग किससे करते हैं, वो खुंती से। ओके, देन इन बासवाज एरिया एंड इम्प्लीमेंट कॉल खुंती इज यूज टू लूज द सॉइल, और आपके एरिया में क्या कहते हैं, तो हमारे एरिया में भी खुंती कहते हैं, अदरवाइज कुल्हाड़ी कहते हैं। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन योर एरिया। तो आप अपने आसपास के एरिया में देखोगे, तो हम तो सिटीज में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई भी फार्म है ही नहीं, बट थोड़ा सा आगे जाओगे, घूमा से आगे जाओगे, तो बहुत सारे फार्म है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपके कोई रिलेटिव है ऐसे कि जो फार्मिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप वहाँ जाके ये चीज देख सकते हो कि किस तरह से सारा प्लांटेशन होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शोइंग द सीड्स। पहले ये जो है बेसिक था कि क्या क्या हो रहा है, अभी शोइंग स्टार्ट करते हैं। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल शो ओनियन सीड इन द फील्ड, द बुलक विल पुल द कुरेज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। तो क्या होता है, इन बुलक कार्ट जो होता है उसके पीछे इस तरह का, आप चैप्टर पेज नंबर 114 पे पिक्चर दिया होता है, जो बुलक होता है उसके पीछे इस तरह का जोड़ दिया जाता है, इस तरह देखो ये दो साइड है ना, तो यहाँ पे टू बुलक होती है, ये बहुत बड़ा होता है, छोटा सा नहीं होता है। ओके, ये हल जो होता है, ओके, तो यहाँ पे दो बुलक जोड़ दिए जाते हैं, देन यहाँ पे जो भी फार्मर है वो खड़ा रहता है, जैसे मैंने बोला यहाँ से सीड डालते हैं, एक होलो होलो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीड धीरे धीरे नीचे भी अंदर जाते रहते हैं, ओके, प्लकिंग होते रहते हैं, देन बिहाइंड एंड सॉरी फिर से रिपीट करती हूँ, दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल शो ओनियन सीड्स इन द फील्ड, द बुलक्स विल पुल द कुरेज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, अप्पा उनके पीछे पीछे पकड़ के चलते हैं। देन स्प्रिंकलिंग द सीड्स, आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव, छिड़कना से दाने, तो वो बासवा को भी बहुत पसंद है, तो बासवा अपने पापा को बोलते हैं कि मुझे भी करना है, तो बट अप्पा से दैट इज सॉरी अप्पा से दैट इट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट द रेगुलर डिस्टेंस, क्या, तो राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट द रेगुलर डिस्टेंस, तो ऐसा नहीं एक जगह जगह पे वो एकदम ध्यान रखना होता है कि आप इतना एक जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दिए, एक जगह पे थोड़े कम कम डाले, ऐसा नहीं, राइट अमाउंट भी सही होनी चाहिए और डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। आप फार्म में जाओगे ना तो देखो वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट फिर भी आप देखना इतने प्रॉपर तरीके से एकदम लाइन होती है, कोई भी इधर उधर नहीं होता। फार्म देखोगे ना तो मिडल में भी हमें चलने की जगह होती है, इतना अच्छा लगता है ना, कोई भी फार्म में जाओगे ना तो जब ग्रो हो जाते हैं कोई भी प्लांट्स हो, ये तो ओनियन की बात हो रही है, कोई भी प्लांट्स हो तो वो इतने प्रॉपर तरीके से लाइन में शोइंग करते हैं, फिर वो जब ग्रो होते तो इतना अच्छा दिखता है ना कि बस देखने का मन करता रहा हमारा, तो वो एकदम प्रॉपर अमाउंट में सीड्स होने चाहिए और डिस्टेंस भी एकदम लेवल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। दिस इज नॉट सो ईजी टू डू, ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, आई मस्ट वेट टिल द एम टिल आई एम अ लिटल ऑर्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। तो क्या उसके पापा ने बोला कि तू नहीं कर सकता है क्योंकि इट मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, बहुत सारे सीड एक ही प्लेस में डाल देता है और आगे थोड़े कम कम होते जाते हैं।
about the fish instead of animals. तो यहाँ पे जैसे ये हल चलाने के लिए animals आगे होते हैं, तो और कोई आपके एरिया में ऐसा कुछ है, आपको पता है कि किससे हम plucking कर सकते हैं, तो वो होता है tractor. अभी बहुत सारी जगहों पे tractor, बड़े बड़े tractor भी और छोटा mini tractor भी निकला हुआ है, तो उससे भी ये animal की जगह पे tractor machine का use हो रहा है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्प्राउट. स्प्राउट्स अपीयर, स्प्राउट्स अपीयर मतलब अंकुरित होना, खिल जाना. इट इज नाउ 20 डेज सिंस द सीड्स वर शोन. द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, सॉरी स्प्राउट अलोंग विद ऑनियन प्लांट. तो क्या हुआ, आफ्टर 20 डेज क्या हो गए, जो उन्होंने सीड्स डाले थे वो क्या हो गए, ग्रो हो गए. और क्या, ओनियन प्लांट हैव स्टार्टेड टू स्प्राउटिंग, अंकुरित होना स्टार्ट हो गए. अलोंग विद ओनियन प्लांट्स वीड्स हैव आल्सो कम अप, वीड्स ग्रो इन फील्ड एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड. क्या है, क्या होता है कि अब रेनी सीजन, ये ओनियन के साथ साथ वीड मतलब जंगली घास होती है, वीड जो होती है वो भी उसके साथ साथ ग्रो हो गई है. अलोंग विद द ओनियन प्लांट वीड्स हैव आल्सो कम अप, तो जो ओनियन है ओनियन के साथ साथ दूसरे प्लांट्स भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो वीड कहते हैं. वीड मतलब जंगली घास होती है जो अपने आप ग्रो हो जाती है, उसे कोई किसी ने प्लांटेड नहीं किया है, वो गार्डन में फील्ड में हर जगह पे. अभी रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि साइड में कॉर्नर में जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे अपने आप वो ग्रास जो होती है, वीड जो होती है वो ग्रो हो जाती है, इसे कोई भी प्लांट करने नहीं जाता, तो वो अपने आप ग्रो हो जाती है, तो वैसे ही वो फील्ड में भी ग्रो हो जाती है. अपर सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर. क्या है कि ओनियन के साथ साथ जो वीड्स भी ग्रो हो गई है उसे रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे हम रिमूव नहीं करेंगे तो ओनियन के लिए जो हम पानी डालते हैं, जो फर्टिलाइजर मतलब खाद डालते हैं, वो सारा क्या वीड भी यूज़ कर लेती है. तो जितनी अमाउंट में ओनियन को पानी और फर्टिलाइजर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वीड्स भी वो सारा ले लेंगे अपने अंदर. ओके, If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. तो ज़्यादा अगर weeds होगी farm में तो onions healthy नहीं रहेंगे, onions proper तरीके से grow नहीं होंगे, तो वो बहुत ही ज़रूरी है weeds को remove करना. अम्मा, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. फिर जब weeds onion के plant के साथ weeds भी निकल आते हैं तब सारे घर के सारे लोग, अम्मा अंकल अप्पा एंड वो खुद भी पासवा खुद भी वो सारे क्रॉप को निकालने के लिए बैठ जाते हैं, निकाल देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ग्रोइंग प्लांट्स. क्या है ग्रोइंग प्लांट्स, अभी प्लांट ग्रो हो रहे हैं. ओके, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नी. तो कितने हो गए हैं उनके, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है कि कितने टाइम में नी तक पहुँच गए हैं. ओके, द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्यूरिंग सॉरी ड्राइंग अप. क्या हो गए, लीव्स कैसे हो गए, जो ग्रीन ग्रीन लीव्स थे वो क्या हो गए, स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राई अप मतलब सूखने लगे हैं, येलो होने लगे हैं. दिस मीन्स दैट द ओनियन आर रेडी टू टेकन आउट. दैट मीन्स जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि सारे ओनियन हो गए हैं और उसे अभी निकालने का टाइम आ गया है. ओके, देन आई डू यू नो व्हाई एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट. अभी घर के सारे लोग फिर से उसी चीज़ में जुड़ गए हैं, क्या करने के लिए, टेकन आउट ओनियन आउट ओनियन को उसमें से निकालने के लिए. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be waste. क्या हो जाएगा कि right time पे जब हमें पता है कि leaves green से yellow हो गए, yellow से सूख भी गए, फिर भी अगर हम उसे निकालेंगे नहीं field में से, तो क्या हो जाएगा, smell, गंदी smell आना start हो जाएगी और खराब हो जाएगी सारे, तो ये चीज़ हो जाएगी.
कोई ना कोई काम तो मम्मी को घर में हेल्प करा देते होगे, पापा को कोई ना कोई काम में हेल्प करते होगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे द ऑनियन क्रॉप। अभी क्या कर रहे हैं, क्रॉप। एवरीवन एट होम इज हैप्पी, दिस टाइम द ऑनियन आर बिग एंड हेल्दी। सब लोग हैप्पी है क्योंकि इस टाइम के ऑनियन क्या है, बिग बिग है एंड एकदम हेल्दी है, गंदे नहीं है। ओके, गंदे हो गए या खराब हो गए होते तो उनकी सारी मेहनत क्या हो जाती, वेस्ट हो जाती। तो अभी इस टाइम के ऑनियन बहुत ही अच्छे है तो वो लोग हैप्पी है। अम्मा एंड आंटी यूज द इलीगे, ये जो है इलीगे, ये जो है इम्प्लीमेंट इलीगे, वो लोग यूज करे टू कट ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन। क्यों यूज कर रहे हैं, तो ऑनियन के टॉप के ऊपर जो येलो लीव्स है उसे कट करने के लिए। द इलीगे इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर। अप्पा एंड अंकल फिल द स्टेक विद ऑनियंस, अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। तो इलीगे जो होती है बहुत ही शार्प होती है, इसलिए करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके ये आंटी एंड मदर, उसकी मम्मा ने क्या कर दिए, ऊपर के लीव्स कट कर दिए। अभी सारे अंकल और अप्पा ने क्या किया, शेक में सारे भर दिए, पूरी एक बोरी में सारे ऑनियन भर दिए एंड फिर कहाँ जाएंगे, बिग मार्केट में सेल कर दिए। बास वाज अप्पा टेकन द ऑनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड। तो क्या है कि विलेजेस, जहाँ विलेजेस में ही फील्ड होते हैं और वहाँ इतने सारे अभी चीज़ें लेके मार्केट में जानी है और रोड प्रॉपर ना हो तो किस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कि रोड ही नहीं है तो बहुत, तो किस तरह से, मतलब बहुत ही हार्ड वर्क हो जाता है उन लोगों के लिए। तो हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड। तो अभी वो किस तरह से ले जाते हैं, तो या अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई और बहुत सारे विलेजेस में भी रोड पक्के हो गए, बट ये पहले के ज़माने की बात है, तो तब वो लोग बुलक कार्ट का यूज़ करते थे और तो उससे इजीली वो ले जा पाते थे। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का जो ये लास्ट में जो है पेज नंबर 117 पे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आपको भी ये नोटबुक में लिख देना है। आगे के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये चीज़ एकदम ध्यान से लिख देना। थैंक यू सो मच।